10 रुपए के सिक्के बाजार से हो रहे बंद, जानिए क्या है कारण। हालांकि इसके बीच यह खुलासा हुआ है कि बाजार में ये सिक्के क्यों बंद होते जा रहे हैं। देश में लंबे समय से 5, 4 और 10 रुपए के सिक्के बंद होने की अफवाह चल रही है। इस अफवाह के बीच RBI कई बार चेतावनी भी जारी कर चुकी है कि अगर कोई 10 या 5 के सिक्के नहीं लेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि इसके बीच यह खुलासा हुआ है कि बाजार में ये सिक्के क्यों बंद होते जा रहे हैं। पुलिस ने हाल ही में एक गिरोह का खुलासा किया है जो इन सिक्कों की तस्करी में लगा है। हंस ट्रैवल्स की बस से बरामद हुए 6 लाख के 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के के मामले में पुलिस ने कानपुर के 2 व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। चनुकी हंस ट्रैवल्स की बस में सिक्कों का परिवहन हो रहा था, इसलिए हंस ट्रैवल्स बस संचालक के नाम केस में जोड़ लिए हैं। एसपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक राव पुलिस ने क्वाइंज एक्ट 2011 की धाराओं के साथ ही IPC की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया है। सिंह व राउटीआई नलिन बुद्धोलिया के मुताबिक मामले में कानपुर के लाल सिंह विजय प्रताप सिंह के साथ ही हंस ट्रैवल्स बस संचालक का नाम केस में जोड़ा गया है। आरोपी लाल सिंह विजय प्रताप के साथ ही विवेक मिश्रा कानपुर ने बस में सूरत भेजने के लिए सिक्के लोड करवाए थे। सूरत जाएगी टीमें। एसपी के मुताबिक आरोपी लाल सिंह व विजय ने बताया कि वे पहले कटे फटे नोट का व्यवसाय करते थे, बाद में वे सिक्के का कारोबार करने लगे। वे सूरत में मनीष व पुखराज को सिक्के भेजते थे। आरोपियों का कहना है कि टोल नाकों के साथ ही पर्यूषण पर बांटने के लिए सिक्के भेज रहे थे, लेकिन पुलिस का मानना है कि सूरत में सिक्के गलाकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने के काम में आ रहे थे। आरोपियों का कहना है कि वे व्यापारियों से 100 रुपए के सिक्के 92 रुपए में खरीदते और बाद में उसे 2 रुपए अतिरिक्त लेकर 94 रुपए में सूरत भेज रहे थे। एक टीम को सूरत भेजा जा रहा है। सिक्के बंद होने की भी चल रही अफवाह। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से देश में 10 और 5 रुपए के सिक्कों के बंद होने की अफवाह चल रही है। माना जा रहा है कि कुछ लोग जानबूझकर यह अफवाह फैला रहे हैं। RBI भी इस तरह के मामले आने से परेशान है और कई बार चेतावनी जारी कर चुकी है कि अगर कोई भी व्यक्ति 10 और 5 रुपए के सिक्के लेने से इनकार करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।